नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेन्द्र सिंह। सरयू का निर्मल जल लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था कि एक बार अयोध्या का वैभव लौटे। वहां जिस तरीके से भगवान राम लंका को विजय करके आए थे, उस तरीके की परिस्थितियां हों। मुख्यमंत्री ने पिछली बार कहा था कि अयोध्या हम आए हैं, अयोध्या जोड़ने के लिए आए हैं। भगवान राम की संस्कृति से पूरा देश जुड़ा है और बिना भगवान राम की संस्कृति को स्वीकार किए ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज भी हम बात करते हैं कि राम का वो गौरव, राम की वो संस्कृति और राम का जो राज करने का तरीका था वो लौटे। इसका मतलब कुछ बेहतर रहा, इसलिए आज तक हमको भगवान राम याद हैं। हमको अगर भगवान के रूप में ना भी कुछ लोग स्वीकार करें तो भी एक गौरवशाली संस्कृति है जो उनको छुए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये देश इच्छाक वंश के राजाओं को विस्मित करके आगे नहीं बढ़ सकता है। जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, भारत पड़ा है, उनको याद किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा अयोध्या के इर्द गिर्द है कि अयोध्या में जो कुछ घटित हो रहा है उसको लेकर के। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजकुमार सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर रही सिंह जी इतिहासकार हैं। मनीष जी, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे और मुख्यमंत्री को उसी जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि अयोध्या जोड़ने का है। जब राम की बात करते हैं तो हम जोड़ने की बात करते हैं, जब हम राम की बात करते हैं तो पूरे देश को एक साथ संलग्न करने की, मोतियों की माला पिरोने की बात करते हैं, फिर अयोध्या से दिक्कत क्यों होती है लोगों को? देखिए, जिसको हिंदुस्तान से और भारत से प्यार है उसे राम और अयोध्या से कतई विलगाव नहीं हो सकता जी। और निश्चित रूप से आज जिस इशू को लेकर हम लोग बैठे हैं, दीपावली मनाई ही इसीलिए जाती है कि इसी दिन प्रभु राम लंका विजय के पश्चात अयोध्या पहुँचे थे और अयोध्या वासियों ने उनकी अगवानी की थी घी के दीपक जलाकर, और उसी के उपलक्ष्य में हर साल प्रतिवर्ष हम लोग दीपावली का आयोजन करते हैं जी। और अगर हम 70 सालों की बात करें, चूंकि अगर लंबा विषय ले चलेंगे तो बहुत पहले की बात होगी, अगर 70 सालों में देखें तो एक चीज निश्चित रूप से छूट रही थी कि जिस नाते से, जिसका जहां से जुड़ाव था, यानी दीपावली का जुड़ाव अयोध्या से था, होली का जुड़ाव मथुरा से था, देव दीपावली का जुड़ाव चित्रकूट से था, लेकिन इन जगहों को विस्मृत किया गया और उनका जो मूल स्थान था उसको लोग विस्मृत कर रहे थे। और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जब बनी तो योगी आदित्यनाथ जी ने निश्चित रूप से ये कार्यक्रम शुरू किए और दीपावली के दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया अयोध्या में। और अगर उसको देखेंगे तो विस्तृत रूप से देखेंगे तो धार्मिक और सांस्कृतिक के साथ साथ अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री जी का जो विजन है ब्रॉड है और उसके नाते से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का तो विकास होगा ही, साथ साथ आर्थिक व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। अभी 5.5 लाख दिए जो बन रहे हैं अगर उनको देखेंगे तो आसपास से के कुम्हारों को एक बड़ा रोजगार मिल रहा है और तमाम तरह की बातें उसमें होंगी। और केवल हम दीपोत्सव नहीं मना रहे हैं, हम अयोध्या एक बड़ा सेंटर बने इसके लिए तमाम वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं वहाँ अयोध्या के अंदर की जा रही है, जिसके नाते से पर्यटक भी आए, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी जो घूमने वाले लोग हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से आना चाहे वो भी आए। बिल्कुल, जिस तरीके हमको मनीष जी ने बताया कि सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है, अयोध्या बेहतर हो, अयोध्या रुचकर बने, अयोध्या में लोग आए। हालांकि अभी हम लोग एक दिन बैठे हुए तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि वहाँ होटल व्यवसायी जमीन मांग रहे हैं, तो जाहिर है कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ये और बदलनी चाहिए। उपाध्याय जी, राम की स्मृतियों को छुए बिना, उनको साथ लिए बिना क्या भारत की कल्पना हम कर सकते हैं क्या? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन राम घट घट व्यापी हैं, आम जन से जुड़े हुए हैं। और राम नए दौर में अगर बात करें तो सबसे अच्छी व्याख्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने करी। उन्होंने कहा कि राम पहले समाजवादी थे जिन्होंने हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा और हर वर्ग को उसका जो हक है वो दिलाया, और जहाँ भी उनको जरूरत पड़ी उसके लिए उन्होंने तीर धनुष भी उठाया और ढेर सारे ऐसे फैसले भी लिए। और राम ने जीवन कैसे जिया जाए, आपके जीवन में मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है, उस पे उन्होंने जनता को एक सीख दी, एक पाठ पढ़ाया। तो राम सर्वव्यापी हैं, लेकिन उसका राम का जो जीवन दर्शन है जो आम जन से जुड़ता है, समाज के अंतिम व्यक्ति से जुड़ता है,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। और राम के साथ ही चूंकि राम भारत को जोड़ते भी हैं, देखिए राम उत्तर से लेकर दक्षिण तक यात्रा करते हैं और इस यात्रा से साबित होता है कि देश तब भी एक था। जो लोग कहते हैं कि भारत हमेशा एक नहीं रहा है, अलग अलग कल्चर अलग अलग भाषाओं का देश रहा है, तो भाषाएं अलग थी ये बात सही है, लेकिन राम पूरे देशव्यापी थे, वो एक था, पूरा देश एक था। और आज से एक नहीं है, ये अंग्रेजों ने एक नहीं किया, राम के जमाने में भारत एक था, ये साबित ये होता है कि आप देखिए कि राम की जो वनगमन का रास्ता है और राम जहाँ जहाँ गए वनवास के दौरान, वो सारे स्थल भारत के हैं और वहाँ से भारत जुड़ता है, वहीं से भारत की जो एकता है वहीं से साबित होती है। लोग कुछ भी कहें, आज के नए दौर के जैसा भी BHU में हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा कि भाई इतिहास वामपंथियों के बाद भी है, और शायद रही सिंह इसको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि भारतीय दृष्टि क्या हो सकती है, तो मैं एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे ये इस बात का एहसास है कि भारतीय दृष्टि यही है कि राम दक्षिण भारत गए और इतने जगहों पे होते हुए गए। आप जाइए, आप आंध्र जाइए वहाँ राम मिलेंगे, महाराष्ट्र जाइए वहाँ राम मिलेंगे, जहाँ जिस भी राज्य में जाएंगे आपको राम का कुछ ना कुछ। अब मिथिला कहाँ है? मिथिला है आपके बिहार में, बिल्कुल। जनकपुर कहाँ है? वो नेपाल में है। तो आप देखिए कि राम हर जगह सर्वव्यापी है और भारत एक है, ये राम की कहानी से या राम का जो आख्यान है या जो जीवन दर्शन है जो लिखा गया वाल्मीकि ने, जो सबसे पहले लिखा अध्यात्म रामायण में जो सबसे पहले लिखा गया, तो उससे ये साबित होता है कि हमारी राष्ट्रीय एकता का सूत्र भी राम के साथ जुड़ता है। हमारे अंत्योदय, हमारा समाजवाद, हमारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो जो सहूलियतें हैं उसको पहुंचाना और उनके उनके मूल्यों की रक्षा करना, ये सारी चीजें राम से जुड़ती हैं। बिल्कुल, उपाध्याय जी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार जी, सबरी के यहाँ जूठे बेर खाते हैं भगवान राम, कोल भिल्लो के साथ रावण जैसी बड़ी ताकत के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंकते हैं, क्या दर्शाता है कि हमारा जो जिसको आप जातियों में बांटते हो, संप्रदाय में बांटते हो, भगवान राम के समय में वो नहीं था, वो सबको लेके साथ चलना चाहते थे। रामन जी, देखिए जो आपने कहा, यही वजह है कि आज जब भी आदर्श राज्य की कल्पना की जाती है तो उसे कहा जाता है कि राम राज्य आना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि राम एक ऐसे राजा थे या एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चले और एक जीवन शैली उन्होंने लोगों को दी जिसे आज तक लोग चाहते हैं कि वो अपनाई जाए। आदर्श स्थिति वो हो, आदर्श पुत्र कैसे हों, आदर्श राजा कैसे हों, आदर्श पति कैसे हों, तो ये सारी चीज़ें राम ने दी। और देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो आप देखिए वो राम ही है, क्योंकि लोग अभिवादन भी कई जगहों पर राम राम करके करते, बिल्कुल हमारे यहाँ तो कल्चर है, चाहे वो नमस्ते करें जी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और भगवान राम के नाम पर कभी कोई विवाद नहीं है। आप देखिए कबीर ने भी राम को एक अपना आदर्श मानकर जो जो भी लिखा, ये अलग बात थी कि उनके राम कुछ और दूसरी स्थिति को छूते थे, लेकिन वो भी उनके आदर्श थे। इसी तरह बहुत सारे धर्मगुरु हुए, बहुत सारे लोग हुए, विभिन्न धर्मों के लोग हुए जो उनको बहुत इज्जत देते जी। दरअसल विवाद जो है वो अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर हुआ और ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। जो अब बात की शुरुआत आपने की थी मनीष जी से, मुझे ऐसा लगता है कि जो जो कुछ उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, खास तौर से हमारे धार्मिक स्थलों को लेकर उनका जो विकास होना चाहिए था, जिससे प्रदेश को भी बहुत फायदा होता, यहाँ के लोगों को भी बहुत फायदा होता, यहाँ की पहचान और भी अच्छी होती और यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ता, आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती, वो नहीं हुआ। आप देखिए, आप कभी भी जाइए, अभी मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसके पहले कभी भी जाइए तो देखिए, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, आपको बहुत सारी गंदगी, सड़कों पर जाम और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव मिलेगा। लेकिन पिछले 2.5 साल से जब से ये सरकार बनी योगी जी की, तो इनका एक शुरू से ही ऐसा एजेंडा था कि इन तीर्थस्थलों को बेहतर करना है और उन्होंने इसे बेहतर करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से भी जोड़ा है, जिस बात की भी आप चर्चा कर रहे थे कि योगी जी उस दिन कह रहे थे, मैं भी था वहाँ पे, कि कैसे अयोध्या में इन्वेस्टमेंट आएगा और कैसे वहाँ पर होटल बनेंगे और दूसरे आएंगे, तो ये एक बड़ी चीज़ है। और अयोध्या में जो ये दीपोत्सव की पहल हो रही है, ये पिछले साल भी हुआ था और इसे देखते हुए वहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, लोग भी आएंगे, और ये सिर्फ अयोध्या तक नहीं सीमित रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सभी धर्मस्थलों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरा बौद्ध सर्किट है, जहाँ पर कृष्ण हैं, आपके भगवान राम हैं, जहाँ पर जैन का भी आप मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरठ में, हस्तिनापुर में, आप देखिए जैनियों का कितना बड़ा एक
वहाँ पर उनका बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम मुझे नहीं देखने को मिला और किसी को पता भी नहीं कि इतनी बड़ी चीज़ है वहाँ पर। निजी लोगों ने जरूर कुछ बड़े बड़े चीज़ें मंदिर बनवाई सबकी, सरकार का रोल उतना नहीं है। तो ये बढ़ना चाहिए और जिस तरह से योगी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, शुरुआत अयोध्या से की है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चीज होने जा रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी जी खुद कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में भोगवादी संस्कृति नहीं चलेगी, ये धरती जो है वो भोग की नहीं है, योग की है। रही जी, क्या लगता है कि हजारों वर्षों से अयोध्या किसी योगी की या योग की तलाश कर रही थी कि जो सब कुछ छोड़ के आए और अयोध्या को फिर राम की संस्कृति की तरफ ले जाए? रामेन जी, अगर गंभीरता से अध्ययन करें तो जो अभी चर्चा हुई हम लोगों के बीच में और जिस तरह का अगर आप राम का कृतित्व और व्यक्तित्व देखते हैं, तो मुझे लगता है राम में त्याग, प्रतिबद्धता, संपर्क या कनेक्टिविटी आज के संदर्भ में दें, और संयोजन, संयोग, ये गजब का था। मतलब उन्हें राजपाट से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें देशपाट से लेना था। ये देश है तो सब है ना, तो सब है। तो राम का जो एक वैभव जिसकी हम बात करते हैं, जब उनके राज्य की परिकल्पना करते हैं, जब उनके विचारों की परिकल्पना करते हैं, आपने भी कहा जैसे कोयल भिल्लों के बीर खाए, उनके साथ रहे, कभी आप अगर माइन्यूटली चाहे वाल्मीकि की रामायण का या तुलसी की रामायण का अध्ययन करें, राम जब चलते हैं अयोध्या से, हर आदमी उनसे ये क्यों कहता है कि हम आपकी प्रतीक्षा में थे। यहां तक कि बंदर और भालू जो हैं वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम आप ही की प्रतीक्षा में थे। तो राम ने संवेदनाओं के माध्यम से जितने भी थे उपेक्षित या प्रक्षेपित, उनका जुड़ाव प्रदर्शित किया है कि जिनको आप ये भरोसा नहीं कर सकते हो कि इनके अंदर भी वो संवेदनाएं होंगी, वो भी राम की संवेदनाओं को समझ करके राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो राम में वो एक योगी था, उस राम को राजा के रूप में उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की थी, उस योगी के रूप में ही प्रतीक्षा की थी। और राम ने जो अयोध्या इच्छाक वंश के कुल का जो गौरव बढ़ाया, वो योगी के रूप में ही बढ़ाया, भोगी के रूप में नहीं बढ़ाया। तो मैं ये कह सकता हूं कि राम के बाद से अयोध्या एक वैसे ही योगी की प्रतीक्षा में थी कि वो अयोध्या के वैभव को उसी रूप में बढ़ाएं। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, आप अगर देखें 3 साल का ये जो दीपोत्सव कार्यक्रम 1,71,000, 3,51,000, 5,51,000 तक हम पहुंचे, ये दीपों की संख्या का प्रश्न नहीं है, ये इतने लोगों के दिलों के जुड़ाव का एक पक्ष है। और वो कहां तक पहुंच रहा है, आज फिलीपींस आपसे जुड़ा, इंडोनेशिया आपसे जुड़ गया रामायण और रामलीलाओं के माध्यम से, मलेशिया आपसे जुड़ गया, थाईलैंड आपसे जुड़ गया, श्रीलंका आपसे जुड़ गया, म्यांमार आपसे जुड़ गया, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा। तो राम की जो कीर्ति है वो वैश्विक है, हम उसको केवल अयोध्या तो एक न्यूक्लियस है, अब हमें उन कक्षाओं को उस न्यूक्लियस के साथ भी जोड़ना है कि अयोध्या मात्र भारत का एक केंद्र नहीं है, भारत में ही आस्था का केंद्र नहीं है, राम विश्व की आस्था का केंद्र भी है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, तो ये जो मनोरम एक है वो अयोध्या से निकल करके योगी के जो कार्य हैं और जो उनके प्रयास हैं, मुझे लगता है विश्व में जा रहा है और अयोध्या एक वैश्विक आकार ग्रहण कर रही है। बिल्कुल, भगवान राम अगर राजा होते तो एक राजा के रूप में स्थापित होते, लेकिन जब वो वन गए और लोगों से मिले, सबरी से मिले, केवट से मिले, कोल भिल्लों से मिले, तो उसके बाद जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ये जिसकी बात रही जी कह रहे थे कि इतना बदलाव आता है जब आदमी संघर्ष में जाता है, जुड़ता है लोगों से, तो ये बदलता है, नहीं आप सिंहासन पर होते तो एक राजा होते। मरी जी, 3 वर्ष पहले जिस अयोध्या में हमने एक उम्मीद का दीप जलाया था, वो लगता है कि बड़े वटवृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसकी बात हम लोग पर्यटन के दृष्टि से भी कर रहे हैं, बाकी दृष्टि से भी कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ा रही सरकार? देखिए, निश्चित रूप से सरकार का विजन क्लियर है कि बिना सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधे न प्रदेश न देश का न विकास हो सकता है, न उसकी एकता अखंडता
अक्षुण रह सकती है। और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में जब बनी तो मैंने इसीलिए अन्य स्थलों की भी चर्चा की, क्योंकि अयोध्या विभिन्न कारणों से हाईलाइटेड रहता है, सबके निगाहों में रहता है, लेकिन योगी जी मथुरा भी जाते हैं होली खेलने, देव दीपावली मनाने भी जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं, वाराणसी भी जाते हैं, तो उनका विजन है कि पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर दौड़ाना है अगर, और अगर अच्छी व्यवस्था देनी है तो राम राज्य से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। अभी उनके रूपों की चर्चा हो रही थी, तो निश्चित रूप से प्रभु राम के रूप को अगर देखेंगे तो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। वो जब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो शिष्य के रूप में भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लौट कर आते हैं, जब उनको विश्वामित्र ले जाते हैं सुबाहु और ताड़का वध के लिए ले जाते हैं तो भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और युद्ध काल के समय से लेके वापसी तक वो मर्यादा उन्होंने अक्षुण रखी और एक संदेश दिया। और देखिए भगवान श्री राम भगवान थे, वो चाहते तो जिस तरह से उनकी लीलाएं थी, जिस तरह से उन्होंने ताड़का से लेके सुबाहु तक यहीं विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा के लिए जिस तरह से वध किया था, तो रावण वध भी वो आसानी से अकेले कर सकते थे, लेकिन उस वध को करने के लिए उन्होंने पूरे समाज को जोड़ा, यहाँ तक पशु पक्षियों को जोड़ा, और उन्होंने एक संदेश दिया कि जो आसुरी शक्तियाँ हैं, जो खराब शक्तियाँ हैं, जो राक्षसी शक्तियाँ हैं, जो असत्य है, उस पे जीत पे उन्होंने सबकी भूमिका को तय किया, जिसके नाते से ये संदेश जाए कि सत्य की विजय हुई और सबको ये खुशी मिले, सबको ये प्रसन्नता हो कि इस असत्य पे विजय पे हमारा भी योगदान है। हमको लगता है कि ये चीज़ों को जो भी समझता है उसको कभी अयोध्या से या प्रभु राम से दुराव नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं राजनीतिक कारणों से भले इसके नेगेटिव बातें करते हो, चूंकि पहला सवाल आपने लिया था विषय मुझसे पूछा था। जी जी बिल्कुल, भगवान राम की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने जब सीता जी खो गई तो उन्होंने पशु पक्षियों और पेड़ों से पूछा कि भाई सीता जी कहाँ गई। साफ किस तरीके से करते, पूरे नेचर को करते हैं, पूरी प्रकृति को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो केवल राम में दिखती हैं, वो और कहीं दिखती नहीं। अगर भारत को समझना है तो राम को आपको समझना पड़ेगा, राम को आपको पढ़ना पड़ेगा, राम को आत्मसात करना पड़ेगा। विजय जी, आपने राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र किया था, क्या ये समाजवादियों ने राम मनोहर लोहिया को ठीक से पढ़ा नहीं था क्या? राम की अयोध्या तो उतनी सुनी कभी अकरंताओं के समय में नहीं रही जितना सेकुलरवादियों के समय में रही। देखिए मैं तो एक बात कहता हूँ कि 11वीं सदी के बाद हमारा देश जो है तमाम सुल्तानों, सूरियों, खिलजियों, मुगलों के शासन में रहा, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद सेकुलर आ गए, तो हम सेकुलर जो विचारधारा है, जो कुछ न करने और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को नष्ट करने का अभियान चलाती थी, तो हम सेकुलर के गुलाम रहे लंबे समय तक। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका जिस परिभाषा के साथ और जिस तरीके के साथ इम्प्लीमेंटेशन किया गया इस देश में, उसकी वजह से सिर्फ हमारी अयोध्या ही नहीं, हमारा अयोध्या एक हेरिटेज कल्चर है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश है, दुनिया के 23 देशों में बौद्ध धर्म है। और हम अगर हम सिर्फ इसलिए करें कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे, विकास हो, हमारे लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल हैं, चाहे भगवान बुद्ध का जो निर्वाण स्थली है कुशीनगर, आप जाइए आप देखिए वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, कुछ किया ही नहीं है। आप सारनाथ देख लीजिए, अगर बाहर के देशों के लोग वहाँ पे फंड न लगाते तो जो आप वहाँ पार्क और जो व्यवस्था देख रहे हैं वो भी ना होती। वहाँ श्रीलंका का मंदिर मिल जाएगा आपको, थाईलैंड का मिल जाएगा, श्रावस्ती में भी यही स्थिति है। आप कुशीनगर जाइए बुद्ध के निर्वाण स्थली पे, दुनिया के हर देश के मंदिर मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो भारतीय व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसे ही सरकारी गेस्ट हाउस टाइप का सर्किट हाउस बना दिया वहाँ पे, तो हम आकर्षित करना ही नहीं चाहते। करना क्या चाहते थे ये तो पता ही नहीं, कौन से सेमिनार, कौन सी गोष्ठियों में पैसे खर्च होते थे, करना क्या चाहते हैं वो नहीं पता, पता ही नहीं था। लेकिन अगर आप केवल जो हमारे बुद्ध धर्म के जो स्थल हैं उनको ठीक से विकसित करिए। कुशीनगर का जो हमारा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, कब से प्रस्तावित है, 20 साल हो गए उसको, अब जाके वो उसको हम देखने गए तो पता लगा एक मस्जिद अंदर है, इस वजह से निर्माण पूरा। अब आप देखिए वो मस्जिद की समस्या तो ऐसी है कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, अभी हाईवे बना है लखनऊ से सुल्तानपुर के लिए, एक मंदिर बीच में तोड़ दिया गया, लेकिन एक मस्जिद का थोड़ा हिस्सा आ रहा है वो नहीं टूट पा रही है,
तो समस्याएं हैं, ऐसी बात नहीं है, समस्याएं तो हैं, समस्याएं तो अयोध्या के साथ भी वही स्थिति है। आप काशी मथुरा चले जाइए, मथुरा में जो सरकार का काम होना चाहिए, जो फैसिलिटी देनी चाहिए नहीं दी गई, आपने किसके हवाले किया? जब जनता के हवाले कहीं कोई चीज कर देंगे, जब भीड़ के हवाले करेंगे तो भीड़ तो अपने हिसाब से काम करेगी, जिसको जहां मिला खोमचा लगा लिया, जिसको जहां मौका मिला माले की दुकान लगा लिया, जिसने साइकिल स्टैंड बना लिया बना लिया। देखिए होना ये चाहिए कि एक विजन होना चाहिए, और जब सरकार में किसी विजन होता है तो काम अच्छे होते हैं। अयोध्या पे सबसे पहले हम लोगों ने अपने अखबार में स्टोरी शुरू की थी, वो एक मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अयोध्या की दीपावली को लेके हम लोगों ने स्टोरी शुरू की थी। हम लोगों ने प्रपोजल भी उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था कि आप अयोध्या का पूरा हम करना चाहते हैं, और ये 3 साल पहले जो योगी जी ने इसको फैसला किया कि हम करेंगे, तो चलिए आपके प्रस्ताव को स्वीकार, हमारा प्रस्ताव क्या वो मतलब प्रस्ताव था, वो हमारे ग्रुप की तरफ से प्रस्ताव था। तो अयोध्या और पहली दीपावली कहाँ मनी? वो सुल्तानपुर में मनी। अयोध्या आने के जो रास्ता था, धोपाप एक जगह है गोमती नदी के किनारे, भगवान राम का पहला पड़ाव वहां हुआ ऐसा माना जाता है इस इलाके में। उसके बाद एक दियरा है, दियरा स्टेट हुआ करती थी वहां, और पहली दीपावली दियरा में हुई। जैसे ही गोमती पार करते हैं भगवान राम, वहां पे दीपावली हुई। उसके 50 किलोमीटर बाद एक और दीपावली हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी दीपावली हुई वो अयोध्या में हुई। और अयोध्या की वो अयोध्या की दीपावली देखिए इससे कैसे रोजगार जुड़ सकता है, रही सिंह इस बात को जानते हैं। वहां पे दो जगह कल्पवास होता है इस प्रदेश में, एक होता है संगम पे और दूसरा अयोध्या में, कार्तिक में अयोध्या में होता है। और यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र गुजरात तक के लोग आके यहाँ कल्पवास करते हैं। राम के प्रति उनका जो जो भाव है, जो जो आस्था है, उस आस्था को 1 महीने वहां रह के प्रकट करते, राम नाम जप करते हैं। राम नाम के लिए वहां ऐसे मंदिर हैं जहां लोग राम राम लिख के सहस्त्रों हजारों लाखों संख्या में किताबें जमा करते हैं। तो राम से जो एनर्जी मिलती है, अगर आप तनाव कितने भी तनाव में, अगर आप धार्मिक हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप इस्लाम को मानने वाले हों, सिखिज्म को मानने वाले हों, हिंदू या क्रिश्चियन कोई भी धर्म मानते हो, अगर आप अपने ईश्वर के प्रति आराधना करेंगे निश्चित तौर पर आपको अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है। तो अयोध्या में 3 ही होटल हैं बड़े, एक नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 3 होटल हैं कुल, और आजादी मिले हमें कितना दिन हुआ, 70 साल। अयोध्या कौन सी जगह है? हमारी सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे अयोध्या है। तो जब आप विकास करना नहीं चाहेंगे तो विकास नहीं होगा। तो लेकिन पिछले 3 साल में ये सिनेरियो बदला है, योगी जी ने एक ठोस पहल की है, आज दुनिया के तमाम टूरिस्ट वहां आ रहे हैं। राम सिर्फ भारत के नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापी है। लाहौर को लव ने बसाया था, और जैसा आपने कहा रही जी ने कि इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड हर जगह रामलीलाएं होती हैं, और आज से नहीं, जहां जहां भारतीय गए, भारतीयों के साथ राम गए, चाहे वो ट्रिनिडाड टोबैको हो जो अमेरिकन उपमहाद्वीप में है, या फिर आपके जो आसियान के देश हैं वहां पे, तो हर जगह राम है और हर जगह राम को मानने वाले हैं। और राम हिंसा के प्रति कहीं राम हिंसा का समर्थन नहीं करते। राम एक समाज की व्यवस्था, गांधी जी ने राम को इसीलिए स्वीकार किया, इसीलिए राम का स्वीकार किया, उन्होंने गीता भी स्वीकार किया और राम राज्य की भी कल्पना की, और अपने प्रार्थना में भी लेते थे। राम को जितना भी आप पढ़ोगे, जितनी चर्चा करोगे, क्योंकि बड़ा लंबा विषय है और राम को हम शायद एक खंड भी नहीं छू पाएंगे, लेकिन चाहे परशुराम संवाद रहा हो, चाहे समुद्र से विनम्रता से रास्ता देने की वार्ता रही हो, राम में वीरता तो थी लेकिन धीरता भी उतनी थी। राजकुमार जी, क्या पूरे चरित्र को जब आप राम के देखते हैं, जी वीर थे, ये तो दुनिया जानती है कि लंका पर चढ़ाई करके कोल बिल्लों के साथ लंका जीत गया है, लेकिन गंभीरता भी उतनी ही थी। परशुराम से जब लक्ष्मण जी का संवाद होता तो उनको पीछे करते, कहते नहीं नहीं आप पीछे होइए, इनको आदर के साथ अपना गला आगे करते, गलती हुई है तो आप हमारा गला काट दीजिए, भाई भाई छोटा है, गलती हो गई होगी उससे। वीरता के बाद भी एक गंभीरता और धीरता दिखती राम में, ये चरित्र भारत का है। बिल्कुल आप ठीक करें, और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज की चर्चा दरअसल भगवान राम के ऊपर हो रही है, तो इतने सारे दृष्टांत हैं और उसकी इतनी सारी व्याख्या है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा भगवान राम के चरित्र का। आपने अहिल्या की कहानी सुनी, उसमें गौतम ऋषि की पत्नी थी और वो बराबर की योग्य थी, वो ऋषि थी, इंद्र ने छल से उनके साथ जो किया छल किया, उसके बाद गौतम ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि पत्थर की हो जाओ, और गलती बाद में मानी तो उन्होंने कहा श्राप तो दे दिया तो पत्थर की हो जाओ, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो पक्ष विपक्ष ऊपर ऊंच नीच इन सब भावनाओं से ऊपर कोई व्यक्ति होगा जो कि परम संवेदना होगी जिसके अंदर, परम करुणा होगी,
अगर कोई ऐसा व्यक्ति स्पर्श करेगा तो अहिल्या अपने उसमें वापस आएगी। ऐसा नहीं कि अयोध्या पत्थर की हो गई, पत्थर का तो कहा है ना, पत्थर मतलब एक जड़ हो जाना, किसी इंसान के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, नहीं कहते पत्थर आ गया, जड़ हो गया। तो जब राम ने उनको छुआ और जब उनको माँ बोला, तब उनकी चेतना वापस आई। आप सोचिए उस वक्त राम की स्थिति क्या थी, वो विश्वामित्र के आश्रम से लौट के उन्होंने बहुत राक्षसों को मार दिया था, राजा दशरथ के पुत्र थे, युवराज थे, उनको राजा बनना था, उनकी कीर्ति फैल चुकी थी। तो जब उन्होंने मान्यता दी तो पूरे अयोध्या ने और पूरे देश ने उनको मान्यता दी। तो राम के चरित्र का तो व्याख्यान इतना है कि उनका हर कदम एक हम लोग को दिशा देता है या समाज को देता है। दूसरी बात जो अभी चर्चा हो रही थी, कैसे बुद्धिजीवियों ने उनके साथ न्याय, मतलब कह सकते हैं वामपंथियों, या नहीं किया। अब निराला जी से ज्यादा, महाकवि निराला से ज्यादा उनको भी वामपंथी कहते हैं। उन्होंने लिखा इलाहाबाद के पत्थर तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, लेकिन उनकी सबसे उत्कृष्ट कृति कौन सी है? रामायण मेले दो की राम की शक्ति पूजा, निराला की राम की शक्ति पूजा आप पढ़िए, कितना महान रचना है वो। तो उन्होंने भगवान राम पर जो लिखा वो आज एक रईस साहब जानते होंगे, जब हम लोग कभी तैयारी किया करते थे आज से 20-25 साल पहले, तो वो सिविल सर्विसेज के कोर्स में थी, राम की शक्ति पूजा, अद्भुत है। तो भगवान राम के दर्शन से, भगवान राम के काम से कोई ऐसा नहीं है कि उससे कोई नकार सकता है या उससे कोई दूरी बना सकता है। ये तो सिर्फ राजनीति जो शुरू हुई, लोगों ने तमाम ये मान लिया कि नहीं साहब, राम का नाम लेने से अयोध्या, अयोध्या का नाम लेने से तमाम तरह के विवाद, और तो उन्होंने अच्छे काम करने भी बंद कर दिए कि मतलब इन जगहों का जो उद्धार होना चाहिए था, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी नहीं किया। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धार्मिक तीर्थयात्री आता है अभी भी, कितना रिवेन्यू अभी आता है। अगर इसको और अच्छा कर दें, चाहे बुद्ध सर्किट हो, जैन सर्किट हो, अयोध्या, काशी, मथुरा, सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटक काशी में आते हैं पूरे देश से, अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा पर्यटक वाराणसी, हाँ, धार्मिक पर्यटन में। और वैसे में आप देखें जो घूमने फिरने आते हैं वो गोवा और आगरा, ताजमहल, इस तरह का। तो अभी इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं गया, अभी ये सरकार के अंदर ही इतना पर्यटक मौजूद है जो उत्तर प्रदेश को बड़ा रेवेन्यू दे सकता। लेकिन आप देखिए गोवा देश में नंबर एक है अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, प्रति व्यक्ति आय में भी। किस लिए है? उनके कुछ काम तो हैं, जैसे उनका समुद्र से जो उनका कारोबार है, लेकिन टूरिज्म नंबर एक पर है। तो हमने कभी उस नजरिए से सोचा नहीं, यहाँ की सरकारों नहीं सोचा। और अब योगी जी ने, एक तो उनका था कि भगवान राम को वहाँ अयोध्या को एक स्थान दिलाना है, ये उनकी पहले से भावना है जिस पर वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ उसको कैसे लोगों के जनजीवन से जोड़ना है, कैसे अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, बिल्कुल कैसे और चीज़ों से जोड़ना है, तो वो भी एक बड़ा काम हो रहा है इस वक्त। रही जी जिस भगवा की बात करते हैं, जैसे भगवा की बात करो, लोगों को लगता है कि साहब भगवा हमने कोई गलत चीज़ छू ली है, जबकि भगवा हमारी संस्कृति है और उसको इतने नकारात्मक ढंग से पेश किया गया। भगवा के कारण ही हम तमाम जगहों से जुड़ पा रहे हैं, हमारी संस्कृति है। तो ये इतने दिन में क्यों हुआ, क्या चाहते थे लोग कि भगवा को क्यों किनारे किया गया? देखिए, जो आपने ये कहा कि किनारे क्यों किया गया या क्या चाहते थे लोग, अभी हम ही लोगों की चर्चा में पहले बात आई थी कि उन्हें यही तो नहीं पता था कि वो चाहते क्या थे। तो जब आप सत्य से डरते हैं, भगवा क्या है? सत्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है, का लोगों के साथ बैठ करके उनमें मर्ज होने का प्रतीक है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आपको भगवा से नफरत है या भगवा को आप किनारे कर रहे हो, इसका मतलब है आप सत्य से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है आप प्रतिबद्धता से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो वीरता है आप वीर नहीं हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से निर्वीर होते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें थी ये दर्शाता है, क्योंकि भगवा से किस बात की नफरत है आपको बताए ना। हिंदुस्तान के अंदर आप पूरा इतिहास, चूंकि आप एक पार्ट के साथ हमको लाए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं। आप ये बताइए कि भारत की संस्कृति और भारतवर्ष किस चीज के लिए अक्षुण्ण है पूरी दुनिया में? क्या भारत आज तक अपनी पहचान कोई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बना पाया है, या हमने दुनिया को कोई ऐसी आधुनिक तकनीकें यदि हैं उसके लिए बना पाया है? आज भी भारत जाना जाता है तो अपनी संस्कृति के लिए, अपने संवाद के लिए, अपने अध्यात्म के लिए। दुनिया स्पिरिचुअलिज्म अगर उसका कोई संदेश लेती है, कोई संवेग लेती है, तो वो भारतवर्ष है। आज भी आइंस्टीन जैसे लोग, रामायण उनको पकड़ा दी जाती है और पढ़ने के बाद लिखते हैं कि इतना महान ग्रंथ तो आज तक मैंने नहीं पढ़ा था।
दुनिया की 48 भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ और वहां रामायण पढ़ी जाती है। इंडोनेशिया में मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूं, एक बार पाकिस्तान का एक वहां पर प्रतिनिधि मंडल गया मुशर्रफ के टाइम पे, तो उन्होंने शुकारनो शायद थे, तो उन्होंने कहा कि ये आइए हम आपको एक कार्यक्रम दिखाते हैं, वो रामलीला हो रही थी। तो उसने कहा कि ये तो कुरान के विरुद्ध तो काफिराना है, ये कैसे आप दिखा सकते हैं। तो उसने कहा देखिए हमने धर्म बदला है, अपनी संस्कृति नहीं बदली है। मेरे जन्म में, मेरे रक्त में, मेरे अध्यात्म में, मेरी संस्कृति में राम है। हमने तो ये ऊपर की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो तो आप ये क्या है, यही भगवा है कि जो हमारे अंदर स्पंदित होता है, जो मेरे रक्त में है, जो मेरे विचार में है, जो मेरे संवाद में है, जो मेरे अध्यात्म में है, वो भगवा है। तो भगवा से किसी, जो भगवा को नहीं जानता है वो नफरत कर सकता है, जो जानता है। और अज्ञानी के लिए तो बड़ा मुश्किल है ना कि उसको आप अज्ञानी को नहीं बता सकते हो कि इसके गुण क्या हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप देखिए, सीखना है तो राम से सीखिए ना। राम और रावण में आप ये तो नहीं कह सकते हो कि रावण ज्ञानी नहीं था, नहीं नहीं, लेकिन रावण के अंदर क्या था, क्रोध था, अहंकार था, आक्रामकता थी, तो वो विकारों से संपन्न ज्ञान था। और राम के अंदर सत्कारों से संपन्न ज्ञान था। तो जिसमें सत्कार था वो उसी भगवा के लिए, जब वो देखते हैं अस्थियों के ढेर लगे हैं तो वहीं पर लिखा है तुलसी ने, निश्चरहीन करम है भुज उठाए प्रणकीन। तो वो भगवा ही ये संकल्प ले सकता था कि अब इस पर कोई निशाचर नहीं रहेगा। और निशाचर का तात्पर्य यह नहीं था कि लोगों को जान से मार देना, उनको बौद्धिक रूप से, उनको ज्ञान के संदर्भ में, उनको आत्मिक रूप से बदल देना था। वो सबरी के बेर खाते हैं तो ये इस देश को संदेश है, आज भी इस देश में सबरी हैं, आप उनके पास बैठिए। तो ये जो नहीं मर्म समझ सकते हैं, जो जिनको ये मर्म ही नहीं मालूम है कि भगवा का यही मर्म है, राम ने भगवा ही धारण किया तो वो राम बने, वरना वो युवराज राम थे, राजा राम होते, लेकिन वो भगवान राम नहीं होते। तो भगवा ने भगवान बनाया। तो भगवा और भगवान का जो ये समेकन है, जो ये एक तारतम्यता है, ये जब भी हमारे सामने आएगी, और मैंने कहा ना आज भगवा का जो राज है आज योगी के रूप में, तो ये जो भगवा और भगवान का जो एक कनेक्शन है ये हमें बहुत स्पंदित करता है। और उम्मीद है कि इससे जब हम इसको जब समझेंगे और इनको हम कनेक्ट होंगे इनसे, तभी हम वाकई में एक भारत, एक को, भारत के भगवा के बारे में पाएंगे। भगवा के बारे में इधर बहुत सा कह सकते हैं गलत धारणा जा रही है। आप देखिए भगवा सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू सन्यासी ही पहनते रहे हैं, भगवा एक आध्यात्मिक और रंग के रूप में हमेशा से रहा। आप देखिए बौद्ध धर्म में देखिए, बुद्ध को देखिए, वो थोड़ा सा कहीं पीला हो जाता है, कहीं थोड़ा सा ऑरेंज कलर से मिल जाता है। और जो मुस्लिम सूफी संत हुए हैं वो भी आप उनको देखिए वो भी वही कलर पहनते थे। तो ये इन दिनों एक अजीब सा हो गया, भगवा मतलब कट्टर हिंदू, भगवा का मतलब कुछ नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं। देवा जाइए वाले तो भगवा रंग जो है वो सभी धर्मों में समान रूप से जो लोग आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हैं वो पहनते रहे। बिल्कुल, भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तब खुश नहीं थे और वन जाते समय वो दुखी नहीं थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं पूरी दशरथ जी की अछोड़ी सेना का विनाश कर सकता हूँ भगवान राम से कि आज्ञा दीजिए और आपको मन नहीं जाने देंगे। तो भगवान राम ने कहा आप नाराज हो रहे हो, आप वो पिता है, एक पिता की मर्यादा को समझो। कोई पिता अपने बेटे को क्या वन भेजना चाहता है? क्या कोई पिता चाहता है कि उसके बेटे का राजतिलक ना हो? एक पिता की मर्यादा को समझो और उनके गुस्से को शांत किया। और कहा यह नियति ने तय किया है, मनीष जी ये नियति ने तय किया है कि मुझे राज्याभिषेक पहुंचते पहुंचते वन जाना पड़ रहा। तो ये जो नियति है उत्तर प्रदेश को जो नियति ने तय किया है, लगता है कि आगे ले जाने के लिए नियति ने तय कर दिया है। देखिए बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, और निश्चित रूप से नियति में हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश को बहुत आगे जाना है और उस तरफ हिंदुस्तान चल पड़ा है। अगर आप देखेंगे तो हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से अगर आगे बढ़े देश की तरफ चलें तो देश हर तरफ हर ओर प्रगति की तरफ बढ़ रहा है।
आज हिंदुस्तान को एक शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है और मान्यता मिल रही है। और निश्चित रूप से नियत ने तय किया है कि आज जो विश्व गुरु का दर्जा हिंदुस्तान को मिलना चाहिए था, उसके सांस्कृतिक विरासत के नाते, उसके आध्यात्मिक विरासत के नाते से जो नहीं मिल पाया था विभिन्न कारणों से, वो मिलना चाहिए था, उसकी तरफ आज हिंदुस्तान बढ़ रहा है। और जो जिनके हाथ में हिंदुस्तान की नियत की डोर है, उत्तर प्रदेश की नियत की डोर है, वो लोग उस तरह के आचरण वाले हैं, उन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवनचर्या में उसको दिखाया है लोगों को, और आज देश की और प्रदेश की जनता इसलिए उनके ऊपर विश्वास भी कर रही है। और अयोध्या अभी हमको लगता है चर्चा के दौरान सभी लोगों ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया है, और अयोध्या केवल उत्तर प्रदेश के नाते या हिंदुस्तान के नाते से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी मान्यता है, और उसको जो यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है सांस्कृतिक आध्यात्मिक, उससे पूरा विश्व लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि जो दर्शन प्रभु राम के जीवन से और उनके रामराज्य से जो मिलता है वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल, भगवान राम का जो दर्शन है, जो संस्कृति है, जो उन्होंने दुनिया को दिया है, जिन आदर्शों पर वो चले हैं, अगर उनको आप आत्मसात करते हो, उनको छूते हो, उनके संस्मरण में जीते हो, तो शायद दुनिया ये अच्छी लगने लगेगी। जो तमाम लोगों को भगवा बुरा लगता है वो भी अच्छा लग सकता है। उपाध्याय जी, लक्ष्मण जी ने केवट संवाद में खड़े होकर भगवान राम से कहा, कहा भगवान सुमन से आप कहते हो लौट जाओ तो लौटता नहीं है, केवट से आप कहते हो कि नदी पार करा दो तो पार कराने को तैयार नहीं होता है, ये क्या माया है आपकी? यानी लोग कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। भगवान राम उस व्यक्ति का नाम है जिसको पूरी दुनिया, पूरी संस्कृति, पूरे लोग प्यार करते थे। क्या ये संस्कृति उत्तर प्रदेश में लौटती दिखेगी राम के नाम पर ही सही? नहीं, ये संस्कृति तो है, वो संस्कृति कभी ख़त्म नहीं हुई, वो संस्कृति है। देखिए, दो क्लास है इस देश में, एक वो जो पढ़ा लिखा तबका है जो शहरों में रहता है, जो यूनिवर्सिटीज़ में बहस करता है, सेमिनार में बहस करता है, दूसरा वो जो बहुत ही सरल तरीके से गांव में जीवन व्यतीत करता है। तो जो ग्रामीण परिवेश में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि लोग बहुत सरलता से रहते हैं, परस्पर आपस में सामंजस्य भी है वहाँ पे। और चूंकि अभी पिछले 20-25 साल से तो जरूर भौतिकवाद वहाँ पे पहुँच गया कि पैसे का बहुत महत्व हो गया, अन्यथा गांव में आप जाइए तो मुझे लगता है राम काल में जैसे होता था कि अच्छी चीज़ें अपने अतिथि को खिलाई जाती थी, जो सबसे अच्छी चीज़ें घर पे होती थी कि दूध की मलाई है तो वो अतिथि को पेश की जाएगी, और अगर अच्छी किस्म से दही जमी हुई है या कोई अच्छी घर में चीज़ बनी हुई है तो वो अतिथि सत्कार में दिया जाता है। अब थोड़ा उल्टा हो रहा है, अब अच्छी चीज़ खुद खा लेते हैं और सोचते हैं अतिथि जल्दी से चला जाए, तो ये एक बदलाव है। लेकिन जो भारतीय ग्रामीण है, वो परिवेश है, वो पूरे तौर पे आप उसको ये कह सकते हैं कि वो सनातन काल से जिस तरीके से जीवन जी रहा है, और आप देखिए हजारों साल की जो व्यवस्थाएँ हैं, हल बैल की जो व्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था रही है, तो ऐसा नहीं हल बैल हम 100-200 साल से यूज़ कर रहे हैं, हल बैल हम कम से कम 10,000 साल से यूज़ कर रहे हैं। और हम कच्चे मकान बनाते थे, आज फिर वैज्ञानिक कह रहे हैं पक्के मकान से नुकसान होता है, प्रदूषण होता है, कच्चे मकान ही ठीक होते हैं, ट्रैक्टर कम इस्तेमाल करिए नहीं तो डीजल से जो है पोल्यूशन होगा, तो हल बैल की खेती ज़्यादा बेहतर है और उससे इको फ्रेंडली एनर्जी मिलती है। तो भविष्य में तो चीज़ें वहीं जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती जब आप करते हैं तो भारतीय सनातन व्यवस्था की ही बात आप करते हैं। मैं सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन व्यवस्था की, जो एक सतत व्यवस्था है, धर्म भी उसका पार्ट, वो धर्म तो धारण करने की बात है, वो आप कोई भी धर्म धारण करें, लेकिन जो व्यवस्था है वो सनातन व्यवस्था यही है, और परंपराओं के हिसाब से वो मजबूत होती रही। बीज खरीदने नहीं पड़ते थे, बीज खेत से ही निकल आता था, यही राम के काल से है। राम के काल से क्या धन धान्य सब, आप एक और चीज है, दीपावली, आप अयोध्या पे चर्चा कर रहे हैं, दीपावली क्यों महत्वपूर्ण है? दीपावली आपको कितने बेहतर खरीफ की फसल आपकी आई वो उत्साह है, रबी की फसल और बेहतर आए उसके लिए आपकी तैयारी है। तो ये जो दो फसलों के दो ऋतु चक्रों के बीच में हम दीपावली मनाते हैं, और राम इसी दो फसलों के ऋतु चक्र के बीच में ही श्रीलंका से यहाँ पधारते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा संदेश है। देखिए मैं एक और बात बताऊं, ये आप ये मत कहिएगा मैं अंधविश्वास फैला रहा हूं, लेकिन जब से अयोध्या की दीपावली हो रही उत्तर प्रदेश में फसलों का उत्पादन बढ़ गया है, चाहे गन्ने का रकबा बढ़ा हो, चाहे गेहूं की फसल बढ़ी हो, चाहे धान की, आप देख लीजिए खरीद नहीं पा रही सरकार, सरकार खरीद नहीं पा रही है। मैं देखिए मैं दकियानूस नहीं हूं, ना मैं अंधविश्वास की बात कर रहा हूं, लेकिन ये आंकड़े कह रहे हैं, ऐसा है आंकड़े कह रहे हैं। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति इस बात को जोड़ के कहे
कि साहब देखिए अयोध्या में दीपावली हो रही है, राम का मंदिर बनने की स्थिति भी पैदा हो रही है, या जो भी कोर्ट फैसला देगा देखा जाएगा उसको, लेकिन किसानों को कितना लाभ हुआ? और जो दीपावली है ये किसानों से जुड़ी हुई चीज है, दो ऋतु चक्रों के बीच में दीपावली है, खरीफ के फसल लेके हम क्या वहां लाई चूड़ा यही सब तो इस्तेमाल करते हैं, दीपावली इसी की पूजा करते हैं। तो ये हजारों साल की परंपरा है। और कृषि विभाग के आंकड़े ये बताते हैं कि हमारी गेहूं की पैदावार भी ठीक हुई और धान की भी पैदावार अच्छी हुई है, पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ी है, और गन्ने का रकबा बढ़ा, गन्ने की फसल भी ज्यादा अच्छी हो रही, ज्यादा उसमें परता भी आ रहा, चीनी ज्यादा बन रही है। और सबसे बड़ी बात एक और है, ये आंकड़े सही है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, 100% आंकड़े सही है रही जी, मुझे लगता है इस आंकड़ों को वेरीफाई कराएंगे। और मैं तो एक जर्नलिस्ट के नाते मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ, ठीक है मैंने इसको एक उससे जोड़ा है, लेकिन ये एक स्वाभाविक है, किसानों को वजह ये भी है ना कि किसानों को आप अच्छी उपज का मूल्य मिल रहा है। 48,25,000 सरकार ने किसानों का धान पिछली बार खरीदा है, उसकी वजह 48,25,000 टन कृषि की तरफ सरकार का उनको पेमेंट हो रहा है। हम लोग गेहूं उत्पादन करने वाले देश में नंबर एक राज्य हैं, लेकिन खरीद में सबसे फिसड्डी थे। पिछली सरकारों में 8 लाख मीट्रिक टन सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा गया था, और जो भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश की, इसने पहले साल में ही 38 लाख मीट्रिक टन खरीदा, उसके बाद उसको 53 लाख मीट्रिक टन पहुंचा दिया। इस बार शायद आंकड़ा और आगे जाएगा, हमसे ज्यादा मध्य प्रदेश खरीदता है, लेकिन धान गेहूं और जो भी उपज है किसानों की उसमें बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, और मानसून अच्छा आया, अच्छा रहा होगा, सरकार की नीयत अच्छी रही होगी किसानों को लेकर, जिसके कारण बढ़ा। राजकुमार जी, स्वर्ण मृख के पीछे जब भगवान राम भागते हैं तब उनका अहित होता है, नुकसान होता है, और जब रावण छद्म रूप में आकर के सीता का हरण करता है, तो ये दो चीजें क्या निर्देश देती हैं? एक तो हम स्वर्ण मृख के पीछे ना भागें, जो तृष्णा है इसको रोकें, और दूसरा जिस तरीके से ये लोग आ जाएंगे कि कोई रूप बना के आ सकता है, छद्म वेशधारी जो है उनसे भी बचे, ये क्या रामायण हमको सीख देती है? बिल्कुल सीख देती है। और पहली बात तो ये, जैसे कि आपने शुरू में भी कहा, उपाध्याय जी ने शायद कहा था कि राम को पता था कि उन्हें क्या करना है, तो ऐसा नहीं वो इन सब चीजों से परिचित नहीं थे, ये घटनाएं होनी थी क्योंकि उन्हें रावण को मारने के लिए जाना था, राक्षसों से मुक्ति दिलानी थी भारतवर्ष को। लेकिन फिर भी ये जो दृष्टांत हैं उनसे निश्चित तौर से एक सिंबल के तौर पर है ना, कि जब भी इस तरह की कोई मायावी चीज हो, जब भी ऐसी कि कोई जिसको आप नहीं भांप सकते हैं, तो उसके पीछे भागने से नुकसान होना है, या फिर जो छल करने वाले लोग हर समय रहे हैं त्रेता युग से लेके और आज तक, सब जगह आप देखिए तरह तरह के लोग हैं जो आज भी हमारे देश को भी भ्रमित करना चाहते हैं, हमारी सरकारों को भी, लोगों को भी, उनको अच्छा नहीं लगता कि देश तरक्की करे, उत्तर प्रदेश तरक्की करे। तो इन सबसे पूरी रामायण ही मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ें तो उसमें तो हर उदाहरण, हर पन्ना, हर चौपाई, हर दोहा आपको एक सीख देता है अच्छाई के लिए जाने के लिए, कैसे बुराई से बचें इसके लिए। तो ये आज की जो चर्चा है ये तो बहुत छोटी चर्चा है रामायण पर पूरा, या राम के पूरे चरित्र पर चर्चा करने के लिए, लेकिन हाँ निश्चित तौर से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में मुझे लगता है कि जब हम लोग छोटे थे तो बहुत रामलीला होती थी, भगवत कथा होती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पता चल जाती थी कि आप घर उसको पढ़ें ना, लेकिन अगर आप बाहर जाएं देख रहे हैं तो भी, देखने से भी। धीरे धीरे ये चीज़ थोड़ी सी कम हुई, आज हम लोगों के बच्चे हैं तो उनको कहना पड़ता है, अमर चित्र कथा आती थी वो भी अब नहीं मिल रही है, तो उन्हें क्या दें, वो कार्टून देखते रहते हैं या फिर सीडी भाई रामायण की लेके दे दीजिए। कुछ राम पर अच्छी फिल्में आप देखिए जापानियों ने बनाई, मतलब उनके ऊपर दूसरे देशों को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम कर। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुझे दुख है कि इस बारे में काम कम हुआ है, रामलीलाओं का भी दिन प्रतिदिन थोड़ा सा अब बढ़ रहा है क्योंकि सरकार का थोड़ा सा उनके ऊपर हाथ है, सरकार चाहती है ये चीज़ प्रमोट हो, तो अब ये हो रहा, नहीं तो बीच में बहुत इस तरह से कम हो गई थी। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है सरकार को इस दिशा में, रही सिंह जी, सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए कि कैसे राम के चरित्र को जन जन तक पहुँचाया जाए, लोक जो हमारे लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, रामलीलाएँ हैं, इनको कैसे कैसे प्रमोट किया जाए, इस पर भी जोर देना चाहिए थोड़ा सा। अयोध्या पर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये तय हुआ कि अयोध्या को कवर भी किया हमने आधे घंटे। अयोध्या के लोग आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, पूरी संस्कृति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माले की तरह पिरोए हुए हैं। वहाँ मंदिर में खड़ाऊ मुस्लिम बनाता है, वहाँ फूल की खेती और माला मुस्लिम बनाता है, वहाँ भगवान राम के कपड़े मुस्लिम सिलता है, और वहाँ जितना व्यवसाय है चूड़ी बिंदी उसका मुस्लिम करता है।
यानी अयोध्या का मुसलमान भी चाहता है कि राम का गौरव बढ़े, बिना राम के गौरव बढ़े अयोध्या नहीं वापस होती। अयोध्या में रही जी रामगढ़ी के महंत ने एक मस्जिद बनवाई जो पीछे टूटी फूटी थी, और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद में लोग आते हैं और दैनिक नित्यियाँ निपटा के चले जाते हैं, तो इसको उन्होंने खुद पैसा दिया और उस मस्जिद को, मस्जिद का सुंदरीकरण किया। ये अयोध्या है, इसको परिभाषित क्यों नहीं कर पाई पिछली सरकारें? मंशा नहीं थी, क्योंकि देखिए जब आप किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी प्रतीक को लेकर के, किसी भी भावना को लेकर के आप सिर्फ जब राजनीति करते हैं, क्योंकि ये जो बात अभी एक सेक्युलरिज्म की आई, आप देखिए यहाँ सेक्युलरिज्म नहीं था, मैं मानते नहीं हूँ उसको सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का तात्पर्य ये नहीं होता है कि पर्टिकुलर आप किसी एक धर्म का तुष्टीकरण करें और जो मूल भावना के साथ सनातनी से लेकर के इस धरती पर पनपा है आप उसकी आलोचना करें, आप उसके विरुद्ध बोलें, आप उनके लोगों को जो है वो लाठी चलवाएं, तो इस तरह की ये भावना होती तब ना करते। राम का जो व्यक्तित्व जान गया ना, तो उसमें मैंने पहले कहा कि वहां पर दुराव है ही नहीं, किसी के साथ दुराव नहीं है। दुराव तो उनका जो है वो बाली के साथ भी नहीं था, मारे और फिर उसके बाद बताते हैं कि भाई हमने आपको क्यों मार दिया, है ना। तो सवाल ये उठता है कि उसमें शत्रुता नहीं है। रावण को भी मारते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं आप जाइए और उसे ज्ञान प्राप्त करके आइए, उससे पूछिए क्योंकि वो महाज्ञानी है। तो आप देखिए वो इस बात को कहते हैं कि हम आपकी शक्ति को, आपके ज्ञान को, आपकी प्रतिष्ठा को स्वीकारते हैं, लेकिन जो आपने दुरुपयोग किया है उसके लिए आपको दंड तो मिलेगा। तो ये अब तक जो करते चले आए, जिन्होंने राम के व्यक्तित्व, राम के कृतित्व, राम के चरित्र, राम की भावना को समझा ही नहीं, तो वो उनको अभी दंड मिल रहा है। कितना मिलेगा ये तो भविष्य जाने। दूसरी एक चीज और पूछेंगे जी से। दूसरा एक चीज और, जैसे अभी आपने एक ब्रेक की बात करी थी, राजकुमार जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं उसमें थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ जी। राम सीता को बहुत समझाते रहे मृग सोने का नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन उस उनकी जिद के बाद फिर वो गए, तो देखिए उन्होंने दो बातें वहां पर रखी, एक कि जो यथार्थ नहीं है, जो यथार्थ ज्ञान नहीं है आपके पास, तो अज्ञान के पीछे मत दौड़ो, उसका नुकसान होना है। और जो दूसरा पार्ट रहा, जो आपने कहा वेशभूषा बदल के आते हैं, तो ये कृत्रिम लोग हैं, इनको हर समाज में हर एक राम बन करके आपको दंडित करना होगा। ये इनका स्थान कोई शेष नहीं रहना चाहिए, वरना ये ना केवल राम जैसे व्यक्तित्व का नुकसान थोड़ी देर के लिए करते हैं, उनका पूरे समाज को करते हैं, ये पूरे समाज को गुमराह करते हैं। उनके बीच एक कठोर संदेश अवश्य जाना चाहिए, तो वहां प्रत्यंचा चढ़नी आवश्यक है। बिल्कुल। राम जी वन काल में जब पहुंचे तो उन्होंने किसी राजा को अपने साथ नहीं लिया, वो चाहते तो तमाम राज परिवार उनकी मदद करने के लिए आ सकते, तो उन्होंने उनको नहीं छुआ, उनसे बात नहीं की, वो आम आदमी की तरह। उसमें एक चीज और रामेन जी जोड़ दूं मैं, विभीषण जब आता है राम के पास तो वो ये मान के आया था कि राम विजयी हो जाएंगे, लेकिन रावण जानता था कि राम श्रीलंका में राज नहीं करेंगे, जो अपना छोड़ के चले आए कौशल देश वो श्रीलंका में क्या करेगा, इसलिए विभीषण को विमान से भिजवाता है लात मारने के बाद, क्योंकि ये कल श्रीलंका का राजा, यानी रावण भी जानता था कि राम क्या है और राम के सामने मुझे पराजित होना है। लेकिन विभीषण का जैसे वो आया, उसका राजतिलक करते हैं, तुम्हारी लंका तुम्हारी ही है, तुम्हारे पर मुझे नजर नहीं खराब करनी, मेरा देश मेरा है। अपना राजपाट छूट गया हो, जो जंगलों में चल रहा हो, दूसरे का राजतिलक कर रहा है, बड़ी गौरवशाली, ये गौरव की बात है। और ये गौरवशाली परंपरा केवल हिंदुस्तान और राम ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि रावण बहुत बड़ा विजेता था, रावण को इससे पहले बाली और सहस्रबाहु हरा चुके थे, लेकिन भगवान राम ने अंगद को भेजा और रावण को महसूस कराया कि हमारी सेना में इतनी ताकत है कि हम तुमको समाप्त कर सकते हैं। अंगद का पैर उठाने जब रावण चला तो उन्होंने कहा कि अरे पैर पकड़ना है तो भगवान राम के पकड़िए, उनसे उद्धार हो जाएगा, मेरे पैर मत छूइए। मनीष जी, ये जो ताकत है राम की, आने वाले समय में जिन संस्कृतियों का नाश किया जिन लोगों ने, उनको ये बताना पड़ेगा कि हम आपका विनाश करके पुनः मूल संस्कृति को स्थापित कर सकते हैं, ये सरकार में दम है या पूरी संगठन में जो इस तरीके से सांस्कृतिक चीजें लेके चल रहे हैं, हम स्थापित करेंगे। देखिए, शांति की सबसे बड़ी गारंटी तो शक्ति ही है, और समय, और भगवान राम ने भी इस चीज को कहा, जब समुद्र
की पूजा उन्होंने की और रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने कहा ना विनय न मानत जड़त जल गए तीन दिन भी बोले राम सकोप तब भय बिन होइ न प्रीत। तो शांति की गारंटी शक्ति है और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान आज शक्ति भी एकत्रित कर रहा है और तमाम तरीकों से अपने सशस्त्र सेनाओं को भी मजबूत कर रहा है और आध्यात्मिक रूप से भी हिंदुस्तान की गरिमा हिंदुस्तान का वैभव फिर बढ़े इसके लिए भी हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। और निश्चित रूप से जिस नीति और नियत को लेके उत्तर प्रदेश और देश के नीति नियंता लोग चल रहे हैं उससे भारत को एक बार फिर विश्वगुरु बनने का जो सपना है वो पूरा होगा और रामराज्य की परिकल्पना पूरी हो सकती है तो उसका एक रास्ता यही है। बिल्कुल उपाध्याय जी, भविष्य की अयोध्या कैसी दिखती है आपको? नहीं, भविष्य की अयोध्या बहुत ही हमें शानदार दिखती है क्योंकि अब पर्यटन बढ़ेगा वहाँ। तीसरे साल में देखिए शुरू के दो साल जो दीपावली हुई वो आमतौर पर राम की पैड़ी के आसपास उसका ज़्यादा वैभव था लेकिन अब वो वैभव दो साल के बाद तीसरे साल में अयोध्या के अंदर सारे मठ मंदिरों तक पहुँच रहा है। वहाँ की सारी गलियों में सजावट इस बार होने जा रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। सारे मठों के साधु संतों के साथ बैठक वहाँ सरकार ने की है। बाय द वे मैं भी कवरेज करने गया था वहाँ पे और चूंकि हर मठ मंदिर में हर गली में हर घर में दीपावली जब होगी और उस दीपावली के साथ जो लोग देखने बाहर से आएंगे क्योंकि देखिए आजकल शहरों में रहने वाला जो जो कॉरपोरेट कल्चर में काम करता है वो तनाव में रहता है, वो सोचता है कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ मेरा मन शांत हो, मेरे परिवार को अच्छी शिक्षा मिले। ये भी है जैसे आप कह रहे थे ना अभी कि आप बच्चों को हम कहाँ से शिक्षा दें, तो अगर बच्चों को सबसे अच्छी जगह है शिक्षा देने की जब आप सीधे अयोध्या ले जाइए, सीधे मथुरा ले जाइए, तो कभी भी वो कोई वो बेटा अपने बाप को चुनौती नहीं देगा जो अयोध्या होके आएगा। ये मेरा सुनिश्चित मत है कि वो अपने पिता को चुनौती नहीं देगा, अपने पिता की बात मानेगा। राजनीतिक टिप्पणी आप कर रहे हो वो लोग उन लोगों पर कि लोग अपने पिताजी को चुनौती दे रहे हैं वो अयोध्या नहीं गए। नहीं, मैं कोई राजनीतिक बिल्कुल नहीं। राजकुमार जी, सुनी पड़ी थी अयोध्या, हम लोग बहुत सालों से अयोध्या को कवर कर रहे हैं, अयोध्या का जो गौरव है वैभव है वो लौटता दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, पिछले तीन साल से दिख रहा है लगातार, हर साल दिवाली पर तो दिखता ही है, उसके अलावा भी आप देखिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी भगवान राम की एक वहाँ प्रतिमा लगने जा रही है, बहुत भव्य बहुत बड़ी, वो भी एक रिकॉर्ड होगा। इस तरह की बातें हैं तो लगातार काम हो रहा है। पिछले बार एक जिलाधिकारी साहब थे जो अभी योगी जी की सरकार में, उनसे ही मेरी बात हुई थी तो वो बड़े इस बात को लेकर काम करते रहते थे कि कैसे हमें अयोध्या बदलना। एक मिनट में और एक बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त का जो दौर है वो एक तरह से ना नए दौर में आप देखिए, थोड़ा सा अलग बात करूंगा फिर जोड़ूंगा इसको, कि हर जगह बात चलती है ब्रांडिंग क्या है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो खासतौर से, सरकारों में भी खासतौर से, पर्सनालिटी में भी खासतौर से, आप देखिए पॉलिटिशियन भी अपनी ब्रांडिंग कराते हैं। कोई निगेटिव शब्द नहीं है, यानी आपकी विशिष्टता क्या है हिंदी में, उत्तर प्रदेश की विशिष्टता क्या है। उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाइए, कहीं दुनिया में जाइए, देश में कहीं और जाइए, तो क्या विशिष्टता है? राम। क्या विशिष्टता है? बुद्ध, कृष्ण, सबसे बड़े राम। तो हम अपनी विशिष्टता को और भव्य रूप दें तो हमारी तो पहचान बनेगी ही। उसी विशिष्टता से बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे जो आपको धंधाने से भी परिपूर्ण करेंगे, अर्थव्यवस्था भी सुधारेंगे और आपकी एक अच्छी इमेज को लेके जाएंगे। बिल्कुल रही जी, जो उत्तर प्रदेश का संदेश है कभी राम ने दिया था यहाँ से लंका तक, क्या उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक संदेश है पूरे देश में जाएगा? इसमें कोई संशय नहीं। आप देखिएगा जो परिकल्पनाएं अयोध्या को लेकर हैं और जिस दिशा में बढ़ा जा रहा है, अभी कुछ और परिकल्पनाएं हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा जी, तो जब वो साकार होगा तो फिर आप जो रामचरितमानस में लिखा है ना, मध्य दिवस अति शीत नघामा और पैठे वो अनिर्वाच्य विश्रामा, तो एक दिन आपको वही चीज महसूस होगी कि ईश्वर फिर जो है वो पुनर्प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है अयोध्या में और अयोध्या हिंदुस्तान के वैभव का केंद्र नहीं विश्व के वैभव का केंद्र है। बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या पर आज हमने अयोध्या पर राम के जो विचार हैं उन पर चर्चा की, हालांकि हमने कुछ अंश छुए होंगे, राम बहुत बड़ा कृतित्व है, व्यक्तित्व है, प्रयास करें कि अयोध्या जरूर जाएं। जिसकी बात उपाध्याय जी कह रहे थे कि अगर अयोध्या लोग जाते तो अपने पिता से विद्रोह की स्थितियाँ ना आती, तो अयोध्या जाएँ, अयोध्या को आत्मसात करें, राम के आचरण को आत्मसात करें। दो आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा हुई, हमको लगा कि हमने राम के उन सारे पहलुओं को छुआ है जिनको शायद लोग विस्मित कर रहे थे, उनको छूने का प्रयास किया और आप लोगों ने जो उत्तर दिया उसका बहुत बहुत आभार। दो लाइनों में इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। पवार जी का गीत है कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में,
राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। आप विश्वास बनाए रखिए, ये अयोध्या, ये उत्तर प्रदेश पूरे गौरव को लेकर के पूरे देश में अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाएगा और हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।